हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीवन ई लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे आज के करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो आज का करंट अफेयर है, पाली करंट अफेयर यह है कि OneWeb ने 36 उपग्रह प्रक्षेपित किए। जो भारतीय ग्लोब समर्थित OneWeb कंपनी है, उसने 36 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। जो भारतीय ग्लोब समर्पित वन वेव है, वो एक लो अर्थ आर्बिट यानी LEO उपग्रह संचार ऑपरेटर है। उसने 36 उपग्रह के अपने अगले बैच को लॉन्च किया। उपग्रहों के एरियन स्पेस द्वारा रूस के बोस्टोचन कास्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। नवीनतम लॉन्च के साथ जो वन वेव है, कुल कक्षा में 128 उपग्रह लॉन्च कर दिया है। ये वन वेव के 648 LEO उपग्रह बेड़े का हिस्सा होगा, जो अगले साल तक हाई स्पीड कम विलंबता वाली वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विचार करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश CM लॉन्चेज YSR बीमा स्कीम। जो मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी, वो YSR बीमा योजना शुरू किया है। इसके तहत जिसके तहत दावा निपटान को आसान बनाने के लिए जो सरकार है, मृतकों के परिवार को सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। जो YSR बीमा योजना है, इसके माध्यम से 1.32 लाख परिवारों को समर्थन करने के लिए सरकार 21-22 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए बांटेगी। सरकार ने पिछले 2 साल में YSR बीमा पर लगभग 1,307 करोड़ खर्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, LABC और IETO के बीच सहयोग समझौता। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन 25 जून को ट्यूनिस में आयोजित वित्तीय निवेश व्यापार अफ्रीका यानी FITA 2021 के दौरान ट्यूनिशिया में लीबिया अफ्रीका व्यापार परिषद यानी LABC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता पर दोनों देशों की व्यावसायिक संरचना के बीच जुड़ाव को गहरा करने पर केंद्रित है और IT विकास, हेल्थ केयर, एरोस्पेस क्षेत्र में MRO समर्थन के क्षेत्र को मिलाकर काम करेगा और भारतीय कौशल क्षेत्र के साथ ही सहयोग करके शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन करेगा। जो IEOT है, जो भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन IETO, वो 2013 में फाउंडेड किया गया था और इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल और श्री कृष्णा कुमार हैं। और जो IETO यानी भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन, उसका जो उद्देश्य है पॉलिसी एडवोकेसी का, और जो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इंडिया में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तुर्की आधारिक तौर पर एक संधि से हट गया। जो तुर्की है, महिलाओं की हिंसा से बचाने वाली एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि से हट गया। वो अपने ही शहर इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए और हालांकि राष्ट्रपति जो रेसेप तैयब एर्दोगन ने जोर देकर कहा कि यह महिलाओं के लिए एक कदम पीछे नहीं होगा। जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो रेसेप तैयब एर्दोगन हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, उसकी इस बार की थीम है रिब्यूल्ड बेटर टुगेदर, यानी दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कैसे वे एकजुट और लचीलेपन के साथ COVID-19 महामारी संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को एक जन केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक होने की पेशकश कर रही हैं। कॉरपोरेशन डे इस बात को फैलाने का अवसर होगा कि COVID-19 के तत्काल प्रभावों के लिए कैसे एक मानव केंद्रित व्यवसाय मॉडल, जो स्वयं सहायता और एकजुटता के सरकारी मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारों और समुदाय के लिए चिंता के नैतिक मूल्यों में से कायम है, असमानता को कम कर सकता है और साझा समृद्धि बना सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रीनत संधू विदेश मंत्रालय में सचिव। जो रीनत संधू हैं, वो 1 जुलाई 2021 को विदेश मंत्रालय में सचिव यानी पश्चिमी के रूप में पदभार ग्रहण किया। जो श्रीमती संधू हैं, उन्होंने 1989 में भारतीय विदेश सेवा में अपना कैरियर शुरू किया और 17 से 20 तक इटली और सैन मेरिनो में भारत की राजदूत थी।
नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो 1 जुलाई 2021 को ग्वालियर में यानी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी HB के नए केंद्र का उद्घाटन किया है। जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है वो भारत में हाईटेक वाणिज्य बागवानी और कटाई के बाद की प्रबंधन बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर है संजीव कुमार थल सेना अध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा थल सेना के उप प्रमुख होंगे जो पिछले साल 13 लाख सैनिकों की सेना के संचालन और खुफिया निदेशालयों की देखरेख के लिए बनाया गया था। लेफ्टिनेंट संजीव कुमार शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह की जगह ली जो इस साल की शुरुआत में पहले DCOAS बने थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है पश्चिमी वायु कमान के BR कृष्णा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। एयर मार्शल BR कृष्णा ने पश्चिमी वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की इन्होंने जगह ली जिन्होंने वाइस चीफ का पदभार संभाला। एयर मार्शल कृष्णा को भारतीय वायुसेना में 1983 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन किया गया था और वह शौर्य चक्र से भी सम्मानित हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है सालिना डी कुमार को संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। व्हाइट हाउस ने घोषणा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सर्किट कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सालिनी डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए अमेरिका जिला न्यायालय में श्री बिडेन द्वारा नामित मुख्य न्यायाधीश सालिना ने 2007 से ओकलैंड काउंटी 6th सर्किट कोर्ट में सेवा की है। उन्होंने जनवरी 2018 में मिशिगन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्किट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारतीय नौसेना के एथलीटों ने ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया। जो भारतीय नौसेना के एथलीट हैं MP जाबिर जो 400 मीटर बाधा दौड़ के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है 2030 तक अतिरिक्त कार्बन पृथककरण। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने 2030 तक अतिरिक्त 2 बिलियन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है अमेरिका ने बगराम हवाई क्षेत्र अफगानों को सौंपा। नेक्स्ट करंट अफेयर है IBM ने क्रीडल को भारत के राष्ट्रपति के रूप में लिंग राजू का नाम दिया जो IBM कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस के अलग होने के बाद बनने वाली स्वतंत्र सार्वजनिक कंपनी किंड्रेल ने लिंग राजू सावरकर को अपने भारत के संचालन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है टाइटन कंपनी ने नए CPO सुदेश बेहरा को शामिल किया। सुदेश बेहरा 1 जुलाई 2021 से CHRO टाइटन के रूप में कार्यभार संभाला है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।